हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो कंटेंट इस वीडियो में है वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको बहुत कम कॉन्फिडेंस हो रहा है। इवन मेरे वीडियोस के बाद भी उन्हें लग रहा है कि उनका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद फिर तो आपका किसी भी लेवल पर कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। बाकी यार, ये सबके साथ है, नॉन टेक सबके लिए नया है और पैटर्न भी पिछले साल ही चेंज हुआ है, तो सबके लिए सब कुछ नया है। इसलिए कभी ये मान के ना चलिए, कभी कभी कंपटीशन इस लेवल पर ही होता है कि सबकी स्थिति सेम है, तो ये मैटर नहीं करता है। ये वीडियो में जो चीज़ें हैं, कम से कम आपके 12 नंबर कंफर्म हैं इस वीडियो से कम। और आईसीटी स्पेशल और जो सुपर 60 का लास्ट वीडियो है यानी 4 पार्ट है, वो मिला के आपके 20 हो जाएंगे। अगर आपको यही है कि मिनिमम कितना पढ़ लें, ये वीडियो सुपर 60 लास्ट 4 आईसीटी स्पेशल और कम्युनिटी के क्वेश्चन, दैट विल क्वालिफाई योर 20 मार्क्स। ये बात बार बार नहीं बोली जाएगी। और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो इन ड्यूरेशन लास्ट से 4-5 डेज में जो लोगों के कॉन्टैक्ट्स आए हैं, जो कुछ मैंने सुना है, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मैं उनकी कोचिंग का हिस्सा बन जाऊं नॉन टेक का, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई बताने का यहाँ मीनिंग नहीं है। खैर, एमपी स्टेट की मिनरल स्पेशल 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। इम्पॉर्टेंट क्या है जो पूछा जाता है, मतलब बार बार पूछा जाता है, अगर पेपर का अगर लेवल मॉडरेट रहता है तो कॉपर, डायमंड और बहुत ज़्यादा कोल, कोल सुहागपुर, सैडोल, कापर मलाजखंड, डायमंड मजुआ। अगर थोड़ा सा अलग जोन में जाएंगे तो मैग्नीज भी पूछ सकते हैं, बालाघाट बरवेली है, ग्रेफाइट भी पूछ सकते हैं, बेतुल है, मार्बल भेड़ाघाट है और बाक्साइट अमरकंटक है। और कुछ बचा, लाइम स्टोन मुंडवारा। ये 3 तो आपके किसी भी कीमत पर गलत ही नहीं होनी चाहिए। इसमें से 1 क्वेश्चन कन्फर्म है। आइए, 1 क्वेश्चन कन्फर्म होता है, अगला आते हैं। इसमें से भी 1 क्वेश्चन कन्फर्म है। देखिए, चैन सिंह नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ ज़िले में पड़ता है, उसके ये राजा थे। ये फर्स्ट मार्टियर थे एमपी के, और ये जनरल मेडॉक से इन्होंने फाइट किया और 1824 में मर गए सीहोर दशहरा मैदान में। तो चैन सिंह फर्स्ट मार्टियर ऑफ एमपी, चैन सिंह बिलोंग्स टू नरसिंहगढ़ विच इज़ इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है बुंदेला रिवोल्ट 1942 से संबंधित है। ये पूछा जाता है कि सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विश्वासघात किया था मरदान सिंह भानपुर स्टेट के और भक्तवाली ने। और इसमें सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का फेमस रहता है तो हीरापुर के हृदय शाह जो राजा थे, वो पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, और इन्होंने 1857 में भी पार्टिसिपेट किया था। एमपी में जो रिवोल्ट 1857 का हुआ था, वो किस तारीख को स्टार्ट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1857, और कहाँ से, नीमच कैंट से। वो पर्टिकुलर जगह की बजाय डिस्ट्रिक्ट पूछें तो नीमच डिस्ट्रिक्ट। बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आ रही तो वाइट करिए, कार्यक्रम है कोई नज़दीक में। तात्या टोपे ने लीड किया था रिवोल्ट झांसी और ग्वालियर में, लेकिन उनके साथ भी विश्वासघात किया गया था मानसिंह के द्वारा, और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में हैंग कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, तात्या टोपे को किस सन में हैंग किया गया था और किस डिस्ट्रिक्ट में हैंग किया गया था, शिवपुरी में। गांधी ने अपनी इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया है 1940 में, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो जबलपुर से। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा किस जेल में लिखी, तो बिलासपुर जेल में लिखी। ये चीज़ें थी। बाकी 4-5 क्वेश्चन मैंने आज सुबह कम्युनिटी पेज पे डाले हैं, वो भी इसमें इंक्लूड कर लो, तो 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन कन्फर्म करते हैं। 1 क्वेश्चन आपका इससे आएगा, और इसके अतिरिक्त अगर कुछ आता तो वो इतना ईजी होगा कि वो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एमपी स्टेट में मेजर डायनेस्टीज की बात करो तो 2 डायनेस्टी मेजर हैं, गुर्जार प्रतिहार और 1 चंदेल। देखा जाए तो केवल चंदेल ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। खजुराहो से संबंधित चंदेल वंश के राजाओं ने मंदिर बनवाया था, ये क्वेश्चन रिपीटेबल रहता है। इसमें देख लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर नागभट्ट था, कैपिटल उज्जैन थी। मिहिर भोज ने बुंदेलखंड रीजन ऑफ एमपी में राज किया, और इसकी 3 इंस्क्रिप्शंस पाई जाती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में कि 3 इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड बाई विच रूलर हु रूल्ड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ एमपी, तो मिहिर भोज। इसके बाद चंदेल डायनेस्टी की बात की जाए तो नन्नुक ने इसको फाउंड किया था, कैपिटल खजुराहो है। इसमें 3 बहुत फेमस रहे हैं रूलर, एक यशोधर्मन जिसने विष्णु टेम्पल खजुराहो में बनवाया, एक धंगदेव जिसको चंदेल डायनेस्टी का रियल फाउंडर भी कहा जाता है, जिसने विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो में बनवाया, और विद्याधर जिसने परमार रूलर भोज को हराया था, और उसने ये डिफीटेड यहाँ गलत है कंस्ट्रक्टेड होगा केंद्रीय महादेव टेम्पल खजुराहो में बनवाया, विद्याधर ने केंद्रीय महादेव टेम्पल। अब जैसे इस पे क्वेश्चन बनाना है तो एक तरफ यशोधर्मन, धंगदेव, विद्याधर, और कोई चौथा एक यहाँ पे लिख दो, मीर भोज लिख दो। अब इधर जो मंदिर है वो लिख दो, मैच द कॉलम भी बन जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वो लिख दो। तो ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, इससे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। और अगर हमने डायरेक्टली क्वेश्चन रख दिया तो वो चीज़ें शायद उतनी आपके ऊपर मतलब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना रहे, इसलिए मैंने ये कर दिया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे वो धंगी दुर्गा थे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो धंती दुर्ग थे, और धंती दुर्ग ने हराया था नागभट्ट को। नागभट्ट वाज डिफीटेड बाय धंती दुर्ग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, चंदेल डायनेस्टी से ही आएगा मोस्टली। बाकी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर पूछ सकते हैं, कैपिटल पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को कंफर्म करते हैं। फॉक म्यूजिक से एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है। देखिए, तीन घराने हैं एमपी में, एक ग्वालियर, एक इंदौर, एक मैहर। मान सिंह तोमर ग्वालियर घराने से हैं, तुकोरोजी होलकर ये इंदौर घराने से हैं, मैहर घराने से अलाउद्दीन खान हैं। तानसेन से संबंधित एकाध प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ये ग्वालियर से संबंध रखते हैं। चाइल्डहुड नाम इनका रामतनु पांडे था। तानसेन जो टाइटल दिया गया था ये राजा विक्रमाजीत ग्वालियर के जो थे उन्होंने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने टाइटल दिया था कांथाभरण बनीविलास, ये कम पूछा जाता है फिर भी हमने लिख दिया है। ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रीवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रीवा और अकबर के बाद में नवरत्न में से एक हो गए थे। ही स्पेशलाइज्ड इन ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग। तो ये तानसेन से संबंधित चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये जरूर पूछा जाता है अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है, सरोद से, ख्याल शैली से, किस चीज़ का वादन करते हैं ये। तो अलाउद्दीन खान, उस्ताद हाफिज अली खान और राजा भैया पूंछ वाले, ये तीनों के तीनों लोग सरोद से हैं, जबकि ख्याल शैली से पंडित कृष्ण राव शंकर और उस्ताद आमिर खान। इतने में से आपको एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कुछ और आता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सुपर 60 का या उसमें जो क्वेश्चन कम्युनिटी में आगे भी पढ़ेंगे, इन तीन दिनों में संख्या थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उसका ही हिस्सा रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमपी स्टेट फॉक आर्ट। फॉक आर्ट और फॉक म्यूजिक दोनों आपके सिलेबस में हैं, दोनों से वन वन क्वेश्चन आना तय है, कम से कम एक तो दोनों से आएगा, तो हमने फॉक आर्ट को भी शामिल किया। एमएफ हुसैन एमपी के नहीं हैं, एमएफ हुसैन महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, बट उन्होंने इंदौर में सबसे ज़्यादा समय बिताया। इंदौर स्कूल ऑफ म्यूजिक के सबसे फेमस आचार्य जो थे श्री देव लालीकर, उनके ये शिष्य रहे हैं, और इनकी जो एक पेंटिंग है उसको एक उसमें कंबाइन किया गया, उसका नाम है गंजामिनी। तो इसलिए एम एफ हुसैन इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद लक्ष्मी शंकर राजपूत ने जो पेंटिंग बनाई वो वर्षा आगमन, और देव कृष्ण जयशंकर जोशी ने चूड़ियां खरीदी की दुल्हन, लाल पगड़ी, साप्ताहिक बाजार और गौर, जबकि नारायण श्रीधर बेंद्रे में फेमस फॉर ऑयल पेंटिंग थे, ये पूछा जा सकता है हु वाज फेमस फॉर ऑयल पेंटिंग इन मध्य प्रदेश, नारायण श्रीधर बेंद्रे। सैयद हैदर राजा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से थे और इनकी कृतियाँ पेंटिंग की है भिंडू, अतल, शून्य की अनंत, अनसुनी आवाज़, सफ़ेद फूल और अंकुर स्पंदन। फिफ्थ इज़ द हाइएस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा अगर क्राफ्ट की बात करें तो जरी सेंटर भोपाल को कहा जाता है, छीपा आर्ट जिसमें हाथ से छाप दिया जाता है वो भैरूगढ़ उज्जैन में है, और डॉल क्राफ्ट झाबुआ ज़िले से संबंधित है। बत्तोबाई इस डॉल क्राफ्ट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हैं। चंदेरी साड़ी अहिल्याबाई होलकर इससे संबंधित हैं, और चंदेरी जो है वो अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है। तो ये चीज़ें फॉक आर्ट एंड फॉक म्यूजिक से हो गई। अब कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको बता रखी थी, जिनको आपने अगर ध्यान दिया होगा कम्युनिटी पेज पे डाली थी, वो यहाँ पे हमने एक साथ कंबाइन कर दी हैं। जैसे बघेलखंड में प्रमुख लोकगीत बसदेवा और फाग गायन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बसदेवा और फाग बघेलखंड से है। जगदेव का पुवारा, आल्हा, लमटेरा और वेरायता ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं, ये बुंदेलखंड से हैं। बघेलखंड और बुंदेलखंड में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, और इसको एक बार लिख के करिए। अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि हमारा पेपर वहाँ बहुत अच्छा हो, तो उसका एक ही तरीका, जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ अगर ये चीज़ें आपने कागज़ पे उतार ली और बाकी बचे दिनों में सुबह भी 15-15-20-20 मिनट दे दिए, तो आप कम से कम जो जिस इंसान को ये लग रहा मुझे कुछ नहीं आता, वो पहले 5 नंबर कंफर्म करे, फिर 10 कंफर्म करे, फिर 15 कंफर्म करे, फिर 20 क्वेश्चन कंफर्म करे, इस तरीके से आगे बढ़े। और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो अपनी क्राइटेरिया देख ले कि कौन सी चीज़ें हमारी छूट रही हैं। देखिए, इसका कोई तोड़ नहीं है जब आप बाकायदा सिलेबस के थ्रू जाते हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस के थ्रू जाएं तो आप पाएंगे लगभग 31 से 32 टॉपिक हैं, और एक एक टॉपिक पे 5-5, 6-6 पन्ने आपको भरने हैं। कम से कम 200 पेज की एक कॉपी तैयार होगी, तब जाके आप कह सकते हैं कि हम 50 क्वेश्चन में वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जिसमें 40-45 नंबर हम ला भी सकते हैं। तो आसान नहीं है, वो भी टेक्निकल फील्ड के लोगों के लिए।
वो MPPSC प्री की जो तैयारी कर रहे हो तो एक बार उनके लिए हो सकता है। इसलिए हम आपको चीज़ें बहुत प्रिसाइसली ला रहे हैं, और प्रिसाइसली में दिक्कत एक ये होती है कि हर वाक्य हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट है उसमें से भी इंपॉर्टेंट निकाल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कोई चीज़ छोड़िए नहीं। निमाड़ से सबसे ज़्यादा गरबा शैली गरबी गीत और नागपंथी गायन इंपॉर्टेंट है। कलगी तुर्गा बहुत पूछा जाता है, तो ये निमाड़ से संबंधित है। मालवा में भरथरी गायन और संजा गीत हीड़ गायन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ढोला मारू गीत हमने बताया था मालवा निमाड़ और बुंदेलखंड में प्रचलित है। इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं, कंफर्म करते हैं। एक क्वेश्चन इधर से भी कंफर्म है, तानसेन की नगरी या पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर को कहा जाता है। संगमरमर की चट्टाने भेड़ाघाट में है। मैग्नीज नगरी अभी बालाघाट बता दिया। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी जिले को कहा जाता है, और भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। सिंगा जी का मेला खंडवा में लगता है। बाघ की गुफाएं थार में हैं। सफ़ेद शेर की भूमि रीवा को है। तांबे की खदानें मलाजखंड हो ही गया। अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, और सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहते हैं। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है। इसके बाद इसमें से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है, हिंदी में है, कोई उसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हैबिचुअल रखिए। वानिकी अनुसंधान केंद्र और मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, और ये अंबेडकर वाला महू, भारत रत्न जीव जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर, ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम है, इसमें चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष, इसके बाद आपके संत सिंगा जी का मालवा का कबीर, इसके बाद आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आधुनिक चाणक्य, और अलाउद्दीन खां सरोद सम्राट। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम हैं आपके सामने। इसके बाद MPPSC के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अपने आप में कहीं ना कहीं रिपीट हो सकते हैं। एक तो नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ है, ये नेपानगर में है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है। चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है, रीवा में। किस नदी के पास स्थित है, बियड़ नदी पे। कितनी ऊंचाई पे स्थित है, 130 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेदमी की स्थापना 2007 में हुई। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग संस्था कहाँ स्थित है, भोपाल में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहीं आपके लिए। देखिए MPPSC का जो AE का एग्ज़ाम आपके सामने आएगा, उसमें नॉन टेक के पोर्शन में सर्वाधिक नंबर लाने का जो तरीका हो सकता है वो मैंने पहले दिन भी आपको सुझाया था। अभी जो वर्तमान में समय बचा है उसमें जो तरीका हो सकता है वो जितना कंटेंट आपके पास अब तक अवेलेबल है उस पर आपकी कंक्रीट पकड़ होनी चाहिए। अगर उस पर आपकी कंक्रीट पकड़ है तो 5-6 क्वेश्चन तो उसी पकड़ से हो जाएंगे, जो चाहे जितनी क्रिएटिविटी लगा के किए जाएं। उसके पीछे रीज़न ये है कि पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव आता है, कई चीज़ें आप इजीली उसमें से हटा सकते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार के भय या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और इतना याद रखिए कि 20 नंबर लाना उतना कठिन मुझे नहीं लगता है जितना मुझे लगता है कि टेक्निकल में आपके क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ना हो। 20 से ऊपर आपके आ जाएंगे इसमें, लेकिन उधर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत सजग होना चाहिए। सिलेक्शन तभी होता है, संतुलन से ही सफलता मिलती है। तो उधर भी रखिएगा, बाकी वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा सा सराउंडिंग में शोर की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाए, और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, चाहे वो रात को 11 बजे मिले या फिर सुबह मिल सकता है, भाई लेट हो सकता है। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आप लोग इसके पहले की तैयारी के प्रति इतने निगेटिविटी से भर जाएं कि कोई चीज़ आप पे असर ना करे, तो कुछ चीज़ें हमें आपको देना ज़रूरी है। और हो सकता है इस जो मैंने ये वीडियो दिया इससे आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जगे, और आप भी उस तरीके की कुछ चीज़ें अपने तरफ से भी कर सकें। एवरीथिंग डजंट डिपेंड ऑन, मतलब कोच पे सब कुछ नहीं निर्भर करता है। कल आयरलैंड ने भारतीय टीम को जो फाइट दी उसमें कोच का केवल यही है कि तुम इनसे जीत सकते हो, हैव कॉन्फिडेंस, बट अल्टीमेटली करना तो खिलाड़ियों को ही है। तो कोचिंग कैन गिव यू ए गाइडेंस ए कॉन्फिडेंस, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोअर्स, जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, मिलते हैं। RCC का कंटेंट जल्दी अपलोड होगा आज ही, और फिर स्टील स्ट्रक्चर और CPM आपका बचेगा, और सभी की PDF कोशिश करेंगे कि आज वाले वीडियो में ही नीचे टेक्निकल की सभी की PDF पिंड कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।